वही शॉट, वही कॉन्फिडेंस, वही जोश। खुशी मनाइए, जश्न मनाइए। हजार दिनों से ज्यादा का इंतजार अब खत्म हुआ। विराट कोहली ने 71वां शतक लगा दिया। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के फैंस को कोहली ने दे दी है सबसे बड़ी खुशखबरी। जैसा इनका नाम है वैसा इनका काम है। फॉर्म में लौटे, रंग में लौटे, और विराट ने T20 इंटरनेशनल का पहला शतक जड़ दिया। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट कोहली जब ओपनिंग करने आए थे तो शायद किसी को उम्मीद नहीं थी कि आज वो विराट दिखेगा जो मैदान पर राज किया करता था। विराट कोहली आज मैदान पर आए, बड़े बड़े शॉट्स लगाए और विराट कोहली छा गए। विराट के बल्ले से एक बार फिर से वही शॉट्स देखने को मिले जिसके लिए फैंस की आंखें सालों से तरस रही थी। अफगानिस्तान के खिलाफ विराट ने 61 गेंदों पर नाबाद 122 रन की पारी खेली। इस पारी में विराट के बल्ले से 12 चौके और 6 सिक्स निकले। 3 साल के लंबे अंतराल के बाद जब विराट कोहली के बल्ले से शतक निकला तो वो शतक भी रिकॉर्ड तोड़ था। विराट ने एक के बाद एक कई रिकॉर्ड्स अपनी इस पारी से ही अपने नाम कर लिए। विराट कोहली T20 इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले भारतीय बल्लेबाज बन गए। इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक के मामले में विराट ने रिकी पॉन्टिंग की बराबरी कर ली। अब विराट से आगे 100 शतक के साथ सिर्फ सचिन तेंदुलकर हैं। विराट ने अपने T20 करियर में भी सबसे ज्यादा रन आज ही बनाए। विराट कोहली का फॉर्म में आना टीम इंडिया के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका फायदा हिंदुस्तान को वर्ल्ड कप में भी होगा, और अगर विराट इसी तरह खेलते रहे तो ऑस्ट्रेलिया में टीम इंडिया को वर्ल्ड कप जीतने से कोई भी नहीं रोक पाएगा।